प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 75 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से बातचीत की। देखिए, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, दिव्य कार्यक्रम हुआ। बढ़ता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत और तेजी के साथ नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और उसमें मोदी जी की जो उत्साहवर्धन स्पीच रही है, उन्होंने नए नए आयाम स्थापित करने के लिए जो प्रेरणा प्रदान की है, और उनके कार्यक्रमों द्वारा 75,000 लोगों के गृह प्रवेश आज कराया गया, 75 बसों का आज यहाँ से लोकार्पण किया गया, और हरी झंडी दिखा करके, और जो पूरे भारत के लिए एक नया विजन मोदी जी ने दिया है, उस पर चलता हुआ उत्तर प्रदेश तेज गति से काम करेगा और निश्चित रूप से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अद्भुत होगा। सम्मेलन हो रहे हैं, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हो रही है, आम आदमी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन कर रही है, क्या मानते हैं कहाँ तक भाजपा पार्टी के लिए परेशानी पैदा करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नीचे बूथ से लेकर के ऊपर तक हमारी पूरी संगठनात्मक रचना बनी हुई है। सरकार और संगठन मिलकर के बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल का फूल खिलेगा, 350 के पार जाएंगे, फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को कहाँ तक चुनाव में तरजीह देंगे, कितने युवाओं को टिकट देंगे? पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश का सारा युवा योगी और मोदी के साथ है। युवाओं को जिस तरीके से रोजगार प्राप्त हुआ है, और निश्चित रूप से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ा है, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ दी गई है। इस नाते पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी का लखीमपुर पे विपक्ष लगातार हमलावर है, क्या मानते हैं, क्या भूमिका? देखिए, इन सब चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अमृत शताब्दी महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर आज न्यू इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के विधि न्याय मंत्री विजय पाठक जी, जानते हैं क्या कॉन्क्लेव रहा और कैसी व्यवस्थाएं रही। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सौगात लेकर के आया, जहां लोगों को 75,000 लोगों को आवास मिले निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 75 जिलों को नई बसें इलेक्ट्रिक मिली। इसके अलावा एक विजन प्रधानमंत्री जी दे गए हैं और उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। क्या मानते हैं सर, कितनी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है और क्या इसको जनता को लाभ मिलेगा? कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, और जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है, उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। क्या व्यवस्था की जाएगी आगे भविष्य में? नौजवानों के लिए भी अलग से इंतजाम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मतलब आह्वान से हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है। सर, कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार हमलावर है, क्या कहना चाहिए? अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस पर चर्चा करो। न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है, तमाम योजनाओं का शिलान्यास आज उनके द्वारा किया गया, जनता को तमाम सौगातें दी गई है, आज़ादी का 75वां महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, और कई भी भव्य योजनाएं भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई जा सकती है और लाएगी, और देश के जो नौजवान हैं, युवा हैं और गरीब वर्ग हैं, उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी आगामी भविष्य में देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन बिरेन के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।